So welcome to Cloud Forest. सिंगापुर में सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ का जो AQI है वो मैंने 58 रिकॉर्ड करा है। हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं गार्डन बाय द बे। तो आज हमारा सिंगापुर का फर्स्ट डे है, तो अभी हम अपना होटल में चेक इन करने के बाद निकल गए हैं गार्डन बाय द बे। तो गार्डन बाय द बे के अंदर हमारी दो एक्टिविटीज़ बुक है जो मैंने क्लूक एप्लीकेशन से करी थी। फर्स्ट इज़ फ्लावर डोम एंड द सेकेंड वन इज़ क्लाउड फॉरेस्ट। यहाँ पर उसके अंदर भी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। मेरे को जो पता है कि क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और फ्लावर डोम में आपको वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर्स दिखेंगे। और इसका प्राइस करीबन 3000 के करीब था। तो ये हमारी फर्स्ट डे की एक्टिविटी है। बाकी अब आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। उसके बाद एक हमारे सुपर ट्री ऑब्जर्वेटरी भी है वहाँ पर, बट वो हम चीज़ कवर नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें इतना वर्थ नहीं लग रही है। और उसी के वहाँ पर सुपर ट्री लाइट एंड शो है, कुछ लाइट शो है ना वहाँ पर, हाँ। तो वो लाइट शो भी हम देखेंगे। उसका जो टाइमिंग है वो 7:45 का टाइमिंग है, तो तब तक हम ये दोनों चीज़ें कवर करेंगे। और फिर 7:45 पर वहाँ जल्दी से जाकर एक स्पेस ले लेंगे और वहाँ पर वो चीज़ इंजॉय करेंगे। तो अभी चलते हैं। अभी यहाँ पर बारिश हो गई है सडनली और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, अगर आप देख सको। तो ये देखिए, ये यहाँ की नहर है, ये हमारा सामने देख रहे होगे, तो वो हमारा सिंगापुर फ्लायर है। ओके, तो काफ़ी अच्छा है। ये बेसिकली डैम है, नहर नहीं है, सॉरी, डैम है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं यहाँ से सीधा। दिस इज़ द क्लाउड फॉरेस्ट एंड वो है सामने फ्लावर डोम। बारिश इतनी ज़्यादा आ चुकी है कि हमारे कपड़े भी गीले हो गए हैं। और अभी आगे हम देख रहे हैं कि पहले क्या हम कवर करें, तो स्टे ट्यून। तो गाइज, अभी हम फ्लावर डोम के अंदर आ चुके हैं, अपनी जो पहली एक्टिविटी है उसके अंदर आ गए हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स हैं, ठीक है। और इनकी सबकी डिस्क्रिप्शन और सबका नेम यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो अभी हम ये फ्लावर्स की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर आपको फ्लावर्स दिखेंगे। एंट्री पे ही पता चल जा रहा है कि अंदर फ्लावर्स हैं। हाँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिंक, बट दैट इज समथिंग स्ट्रेंज कि इन्होंने इतने क्लोज एनवायरनमेंट में इतने सारे फ्लावर्स और इतने ट्रीज को मेंटेन करा हुआ है और यहाँ पर इतना जो टेम्परेचर है मेंटेन करके रखा हुआ है कि ये फ्लावर्स जो हैं वो मुरझाए नहीं, ठीक है। तो दैट इज समथिंग बड़ी इम्प्रेसिव।
गाइस अभी हमने फ्लावर डोम तो देख लिया है और काफ़ी अच्छा लगा हमारे को फ्लावर डोम इनसाइड। ये कुछ लाइटिंग भी है, कुछ शॉपिंग का एरिया है यहाँ पर। तो गाइस अभी हमने यहाँ पर फ्लावर डोम कवर कर लिया है, अब इसके बाद हम जाएंगे क्लाउड फॉरेस्ट की तरफ। तो अभी हम क्लाउड फॉरेस्ट में आ गए हैं और क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मैंने सुना है कि यहाँ पर एवेटार की ना थीम है, तो थीम में अंदर ही अंदर आपको वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं अपने आप ही। यहाँ पर जो पत्ते हैं वो अपने आप ही हिलते हैं, तो वीडियोज़ में देखा है मैंने। तो अभी मैं ये चीज़ देखने के लिए यहाँ पर भी आया हूँ, देखते हैं कि कहाँ पर है वो चीज़ और आपको भी दिखाते हैं। तो यार यहाँ पर सारे जो ट्रीज़ हैं वो सारे नेचुरल है, बट कई कई बोलते हैं कि यहाँ पर कुछ जो ट्रीज़ है वो आर्टिफिशियल भी है। तो बाकी तो देख के पता चल रहा है कि कुछ कुछ आर्टिफिशियल भी है, कुछ कुछ नेचुरल भी है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा मौसम है यहाँ पर और बाहर मौसम भी काफ़ी साफ़ हो गया, बारिश रुक गई है। अभी हम जाएंगे और देखेंगे। वाह, मुझे तो सच्ची में पुणे की याद आ गई यार। पुणे में भी ऐसी क्लाउडी बारिश रहती है, यहाँ पे तो इन्होंने बनाई है लेकिन गिरगिट बनाई है। यहाँ पे एवेटार की थीम होती थी, एवेटार की थीम नहीं दिख रही यार। एक चीज़ का दुख है यार, यहाँ पर जिस चीज़ के लिए मैं आया था एवेटार थीम के लिए, बट वो तो नहीं है। उससे भी कुछ बहुत खूबसूरत है, उससे भी खूबसूरत है, बट वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल था, कुछ फन एक्टिविटीज़ थे। मकड़ी देखो यार, ताड़े वक्ल लग दिया। ओहो हो हो हो, वहाँ देखो, ये देखो यार, पैसा वसूल व्यू है यार ये तो। ये हमारा सुपर ट्री ग्रूव लाइट एंड शो जहाँ पर होता है। ये हमारा मरीना बे सैंड, कल हम दोपहर में इधर होंगे, बस ऑब्जर्वेशन डेक बंद ना कर दे बारिश की वजह से, बाकी कल हम जाएंगे देखेंगे। चलो, ये बेसिकली क्या है कि हम 6th फ्लोर पे आ गए और वॉक के थ्रू हमें जितने भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसके जो भी आसपास इन्होंने वे बनाया हुआ है उसी के बीच में से हम नीचे जा रहे हैं, तो काफ़ी रिफ्रेशिंग और काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फोटोजेनिक प्लेस लग रही है ये। ये जो फॉग है ना, ये भी कुछ पर्टिकुलर टाइम पर चलाते हैं ये लोग, मतलब लाइक 15 मिनट बाद या 1 घंटे बाद, मुझे वो टाइमिंग नहीं पता। अलग अलग पार्ट्स दिखाए हैं नेचर के, टाइगर की फर है,
आपको इनके बाजुओं में दिख रही होगी। इसमें प्लास्टिक वेस्ट को भी इन्होंने रिसाइकल करके एक ये लेयर बनाई हुई है, ये वाली बीच में। अभी हम एग्ज़िट ले रहे हैं गाइस यहाँ क्लाउड फॉरेस्ट से, और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। एक चीज़ मिस करी हमने जो थी वो अवतार थीम, जिसके लिए मैं मेजरली बहुत एक्साइटेड था आने के लिए, बट ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिली और बहुत अच्छी थी वो, ठीक है। हाँ, काफ़ी न्यू था और काफ़ी वर्थ इट था। अभी हम अगेन शॉपिंग एरिया में आ गए हैं, जो क्लाउड फॉरेस्ट का शॉपिंग एग्ज़िट है, वही होगा। सस्ते दाम की चीज़ हज़ारों में मिल रही होगी। प्लांट थीम के ही सोविनर्स हैं यहाँ पे। यहाँ पर हम अभी फ्लावर डोम से जब हमने एग्जिट करा था तो हम यहीं आए थे, सेम प्लेस ही है। चलो अब इसके बाद हम चलते हैं सुपर ट्री ग्रूव। तो गाइज अभी हम निकल गए हैं जो सुपर ट्री ग्रूव का जो साउंड एंड लाइट शो है वो देख के। वो बहुत ही बढ़िया शो था। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि जो भी बंदा क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम के लिए आ रहा है वो इस शो को ज़रूर देख के जाए। एक्चुअली ये दो बार होता है दिन में, एक 7:45 PM पे और एक होता है 8:45 PM। हमने 7:45 PM वाला शो देखा और वो बहुत ही अच्छा था। काफ़ी भीड़ थी और 15 मिनट का ये शो था, 8 बजे तक चला ये शो और बहुत ही बढ़िया लगा। इतना बढ़िया व्यू मैंने आज तक नहीं देखा। अब इसके बाद हम यहाँ से जा रहे हैं मरीना बे सैंड के पास, जो फाउंटेन शो है, स्पेक्ट्रा लाइट फाउंटेन शो कुछ बोलते हैं उसको। इसके बाद मैं आपको वो वाली वीडियो भी दिखाऊंगा।